स्कोर बराबर है। निश्चित तौर से कड़ा संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है और समय भी निकल रहा है। सेकंड हाफ का खेल इस समय चल रहा है और समय 2 मिनट 8 सेकंड बचा हुआ है। क्या 2 मिनट 8 सेकंड में ये मैच हार जीत का फैसला करेगा या फिर से बराबर होगा? तो अगर किस यहाँ पर एक बार फिर से बढ़त बनाई है तिलौरी के टीम, तो दोनों टीमों के कैप्टन इस बात को ध्यान में रखेंगे अगर मैच यहाँ पर टाई होता है तो आपको 3-3 रेट के जरिए ही यहाँ पर फैसला करना होगा। पहले खाता खुलेगा जिस टीम का, वो पुराना वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। चलिए रेड यहाँ पर एम्प्टी गई है और इधर रेडल चकसारा निश्चित तौर से चाहेंगे कि पॉइंट लेकर के यहाँ पर स्कोर को एक बार फिर से बराबर किया जाए, चूंकि कोर्ट फुल हाउस है, बोनस ऑन है। पूरी कोशिश करता हुआ रेडर लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। 2 अटेम्प्ट उन्होंने लगाए हैं और दोनों ही अटेम्प्ट अभी तक खाली, ताकि समय व्यतीत अगर आप ज्यादा देर तक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही अखरेगा। जब लास्ट मिनट का खेल बचा हुआ है और यहाँ पर गलती करता हुआ डिफेंडर चक्सा, कोई टाइम आउट नहीं है, मैच चालू रखिए, समय वैसे नहीं है, टाइम आउट लेंगे। 7 और 5 का स्कोर 2 पॉइंट के लीड और 3 पॉइंट के लीड यहाँ पर तिलौरी के पास। सेकंड यानी कि अभी भी एक और रेड इस रेड के बाद हो सकती है। पीपी कॉलेज तिलौरी ओसारी परमेश्वरापुर दोनों बिल्कुल रेडी रहेगी। 8 और 5 का स्कोर है, सुपर टैकल ऑन है, लेकिन यहाँ पर रेडर ने चालाकी बरती और टाइम पास की रणनीति यहाँ पर अपनाई और मात्र 12 सेकंड बोनस यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया। चलिए और अभी ये 2 मिनट 2 सेकंड बचा, मैच एक रेड होगा और यहाँ पर पॉइंट या लूज करती हुई टीम और इस मैच की तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता हुआ टीवी कॉलेज के लिए 3-0 के लिए पहले हाफ में। अच्छा खेल दिखाते हुए यहाँ पर दोनों ही चौकों में, चाहे रेट की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, अच्छा खेल दिखाया है अभी तक टीम टीवी कॉलेज। परमिश्रापुर की टीम थोड़ी से शुरुआत उनकी अभी तक नहीं हो पाई है, पॉइंट की पीछे चल रही है। क्या पहले पॉइंट की तलाश में है और पहला पॉइंट की डिमांड की गई है, स्वीकार भी किया गया है जी बिल्कुल। पॉइंट पहला पॉइंट यहां पर आता हुआ परमिश्रापुर के लिए 1 और 3 का स्कोर, 3 पॉइंट है। 1 मिनट 8 सेकंड का खेल और बचा हुआ है पहले हाफ में। इधर रीडर परमिश्रापुर, समय धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है कहीं ना कहीं और चले रेडर बेंच। हाफ टाइम दोनों टीमों का स्कोर 4 और 2, 2 पॉइंट की लीड। निश्चित तौर से यहां पर अटैकिंग खेला और ये 2 पॉइंट की क्या है, यहां पर तीसरा पॉइंट भी आ गया। जो टीम अभी तक पीछे चल रही थी वो एक ही झटके में 1 पॉइंट की लीड में आ गई है। तो ये 3 पॉइंट कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेंगे टीम परमेश्वरापुर के लिए। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर खिलाड़ियों की, देखिए एक तरीके से पूरी तरीके से चमकने लगी है, चहकने लगी है वो बॉडी लैंग्वेज जो थोड़ी देर पहले मुरझाई नजर आ रही थी। सालिम को रिवाइव करा लिया है, सुपर टैकल ऑन, क्या सुपर टैकल करके उस लीड को पाट पाएगी यहाँ पर टीम टीवी कॉलेज। गलती करता हुआ डिफेंडर अकेले दम पर डैश करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। तो सालिम जितने देर पर बेंच पर रहते थे निश्चित तौर से पीपी कॉलेज का उतना फायदा होता, लेकिन सालिम को रिवाइव कराना यहाँ पर एक तरीके से फायदेमंद साबित हो सकता है परमेश्वरापुर टीम के लिए।
सालिब एक बार फिर से रेड पर, दो खिलाड़ी है निश्चित तौर से, स्केप बहुत ही बेहतरीन है सालिब का। हालांकि एक बार वो सुपर टैकल का शिकार हुए हैं, लेकिन इस बार बचा लिया उन्होंने अपने आप को। समाता 2+2 आएगा, ये बिल्कुल 2+2 का इशारा था वहां रेफरी का। तो 4 पॉइंट के जरिए यहां पर स्कोर हो चुका है 11-4। चलिए काउंट डाउन चालू है, बोनस है, +2 पॉइंट है, बोनस +2 सुपर है 3 पॉइंट। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वापसी हुई है। चलिए शिकार कर लिया है यहाँ पर सालिम ने, एक और पॉइंट, टाइम आउट दिया गया है। निश्चित तौर से प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर टीबी कॉलेज के खिलाड़ियों के ऊपर, चूंकि 5 पॉइंट पीछे चल रही है और लास्ट मिनट का खेल चल रहा है। एक बार हमें बता दिया, नो बॉक लाइन की रणनीति अपनाई जा रही है, वो भी सालिम के लिए। क्या रोक पाएगी टीम ये देखने वाली बात। स्पीड है सालिम के अंदर, टी शर्ट वो पकड़ना भाई, पहली बार नहीं गई है, टी शर्ट पकड़े हुए टेक्निकल पॉइंट दिलवा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर डिफेंडर रेडर है, निश्चित तौर से इनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। 17 सेकंड का खेल और बचा हुआ है। रेड अलाउट, आखिरी रेड करवाइए इसके बाद। चलिए लास्ट रेड है इस मैच की। परमिश्रापुर के टीम ने सेकंड हाफ में यहां पर पलटवार किया और उस पलटवार ने उस मैच इस मैच को जितवा दिया है यहां पर। चलिए रेड अलाउट, अच्छा पॉइंट था भैया, समाप्त है समय, लास्ट रेड पहले ही घोषणा हो चुकी थी।